नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिष पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र, जिसमें हम आपको सलाह बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि क्या करना है आपको, जो आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, व्यक्तिगत तौर पर या सामाजिक तौर पर या करियर के लिहाज से जो बाधाएं आ रही है और आपका काम लगातार उसकी वजह से रुक रहा है। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है पंडित राजीव शुक्ला जी, जो आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो कोई बात नहीं, समय नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं है, या आपकी शाब्दिक कुंडली के आधार पर ही आपका भविष्य जान लेते हैं और उसका हाल बताते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को प्रणाम। प्रादुर्भूतो अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् कीर्ति वृद्धिं ददातु मे चित्तपिपासा मलाम ज्येष्ठा मा लक्ष्मीं नाशयाम हम अभूतिं समृद्धिं च सर्वनिर्णोद्मि गृहात् गन्धद्वारा दुरादर्शा मित्तपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि होपहे श्रियं। इस प्रकार से वैदिक डिमडिम घोष, किस प्रकार से आपको समृद्धि और प्रसिद्धि, इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य प्रकार के शुभत्व जो जीवन में आने हैं वो कैसे आए, इसके कई रास्ते होते हैं। वैदिक शास्त्रों में इसका वर्णन है किस प्रकार से ग्रहों को अनुकूल किया जाए और ग्रहों को अनुकूल करने के साथ अपने जीवन की परिणति कैसे सुंदर, सुसभ्य और सुशील बनाई जाए। यथाशक्ति यथासंभव जो ज्ञान हमारे पास है आप सबकी सेवा में सादर उपलब्ध। और अब पंचांग जान लेते हैं। दिनांक 21 सितंबर 2018 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि का मान लगा है। भादों की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन जयंती का पर्व और इसके साथ साथ भुवनेश्वरी देवी का जयंती पर्व मनाया जाता है। बहुत ही शुभ और बहुत ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन शुक्रवार का, भादो मास की यानी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी पे शुभ समय आज का 12:07 से 1:55 से दुआ है। पुनः राहु काल 10:28 से 11:59 तक सिद्ध हुआ है। आज का नक्षत्र नक्षत्र है आज का श्रवण, श्रवण के स्वामी चंद्र और मकर राशि में श्रवण नक्षत्र का गोचर होता हुआ उच्च के मंगल के साथ धन वाहन भूमि संबंधित और मातृपक्ष से संबंधित और इसके साथ साथ सुखों के साथ साथ किस प्रकार से अपने कैरियर इत्यादि को बढ़ाएं, इसके लिए अच्छी प्लानिंग करने का दिन और अच्छे कार्य करने का शुभ दिन आज का पंचांग बताता है। भारत समाचार के सभी दर्शकों को 21 सितंबर 2018 शुक्रवार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और श्रवण नक्षत्र पे इसकी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब 12 राशियों के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद जानेंगे वामन जयंती की पूजा और कथा का महत्व, लेकिन सबसे पहले 12 राशियों के बारे में। मेष राशि वालों, प्रथम राशि जान लेते हैं क्या होगा। शांति और सुकून रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी स्थायी रूप से अच्छी बात होती है कि किस प्रकार से किसी राशि पे शांति और सुकून रहे, कार्य भी बनेंगे। अच्छा दिन है तो जब चूंकि पर्यटन का दिन है तो क्या कर सकते हैं, अच्छा करिए, अपने मित्रों को इष्ट मित्रों के साथ इत्यादि आप बाहर घूमने इत्यादि जा सकते हैं, ये भी करने से आपको आनंदी की अनुभूति होगी। क्या नहीं करना है, नए समझौते यदि कर रहे हैं, किसी प्रकार का किसी नया कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि साइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें अनावश्यक समझौता ना करें और साथ के साथ लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। एक एक बात एक एक चीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ लें। वृषभ राशि की हम बात करेंगे, बहुत खुशियां लेकर आएगा आज का दिन, अच्छा है, सुंदर स्वस्थ उत्तम दिन, कार्य क्षेत्र पे भी कार्यस्थल पे भी सम्मान होगा, अन्यथा तो आपके कार्यस्थल पे कार्यस्थल से जुड़े लोग आपका सम्मानजनक बातें आपके लिए निश्चित रूप से करेंगे। क्या करेंगे वृषभ राशि वालों, आपको चूंकि अपनों का और सहयोगियों का भरपूर साथ मिलेगा, इसलिए क्या करना है आपको, आपको भी भरपूर साथ और सहयोग देने की तरफ बढ़ना चाहिए। ये आज का पंचांग और आज का मार्गदर्शन बता रहा है क्या नहीं करना है। टैक्स इत्यादि या ऋण से संबंधित या किसी प्रकार की कोई देनदारी है जो आप अभी तक दे नहीं रहे हैं या किसी प्रकार की सरकारी देनदारी है जो आप नहीं दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल कदापि ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। मिथुन राशि की हम बात करते हैं, आर्थिक तनाव जो आपको रहता है आर्थिक की वजह से वो आपको थोड़ा सा कम होगा, आज आर्थिक लाभ होगा चूंकि, अन्यथा तो दुखिन आपका जो तनाव है किसी अन्य प्रकार से वो रहेगा। मध्यम है दिन, क्या करना है आपको,
सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आपको अपनी अच्छी छवि बनाने की तरफ ध्यान देना है। यानी ज़बरदस्ती किसी से कुछ बात बोल के अपनी छवि अच्छी नहीं बनाइए, स्वयं से कुछ काम कर्तृत्व करके बनाइए। क्या नहीं करना है ध्यान रखना है मीन राशि मिथुन राशि वालों को, माफ़ कीजिएगा, बुरे वक्त में आपको संयम नहीं खोना है। आपको अपना जो भी समय लगे कि मध्यम है, संयम से रहिए, आनंद से रहिए और चेष्टाएं बराबर करते रहिए। कर्क राशि की हम बात करेंगे, कार्यस्थल पर आपको भी पुनः तनाव दिख रहा है और साथ के साथ प्रेम प्रसंग इत्यादि हैं या कहीं आपके ऐसे संबंध हैं जो अति घनिष्ठ हैं, वहां पे भी अनबन होने की बात दिख रही है। क्या करना है, सेहत का अपना सबसे पहले ध्यान देंगे, ब्लड प्रेशर इत्यादि जरूर जांच करा लेंगे, चिकित्सकों से परामर्श इत्यादि जरूर ले लेंगे। यानी ये आज आपका ग्रहों से संबंधित उपाय। क्या नहीं करना है, नौकरी बदलते समय यदि आप कोई नौकरी या कार्य बदल रहे हैं तो अच्छे प्रकार से उसको बदलें या अच्छी प्रकार से अपनी बात रखें, तब पुनः आगे बढ़ें। ये ध्यान रखने वाली बात है। सिंह राशि की हम बात करेंगे, भरपूर आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आत्मविश्वास है तो साथ के साथ छोटी मोटी जोड़ों से संबंधित, स्नायु तंत्र से संबंधित कुछ आपको गड़बड़ी है, उसको जांच करा लीजिए। क्या करेंगे, संबंध में जो भी व्यक्ति दरार डाल रहा है उससे आपको निश्चित रूप से दूर रहना चाहिए। ये आज आपको जरूर ध्यान रखना है सिंह राशि का जहाँ तक। और क्या, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए सिंह राशि वालों, पूरी कोशिश करें कि किसी के अन्य के वाद विवाद झगड़े इत्यादि में अपना समय व्यर्थ ना करें, अन्यथा तो उलझ जाएंगे और कार्य आपके बनते हुए भी बिगड़ सकते हैं। कन्या राशि भाग्योत्तम, साथ के साथ परिवार का भी आपको अच्छा सहयोग मिल रहा है, आज उत्तमता का आपके पास परिवेश दिख रहा है, उत्तम परिधान दिख रहे हैं, उत्तम ही उत्तम दिख रहा है। तो क्या करेंगे, अपने से बड़ों का बुजुर्गों का बहुत सम्मान करें, बहुत सम्मान करें और उनकी यथाशक्ति यथासंभव जरूरतें पूरी जरूर करें और इनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से चार नहीं आठ नहीं नौ प्रकारों के पूरे पूरे ग्रहों का शुभ और शुभता प्राप्त होती है। इसको ध्यान रखेंगे कन्या राशि वाले। क्या नहीं करना है कन्या राशि वालों को, किसी की सलाह, इस पर आपको तुरंत अपनी तरफ से जवाब नहीं दे देना है। क्यों, क्योंकि किसी की सलाह पर आपको रिएक्ट नहीं करना है, ये भी बड़ी अच्छी बात रहेगी। ये व्यवहारिक बातें नहीं हैं, ये व्यवहारिक बातों के साथ साथ ग्रहों से संबंधित बातें हैं, ग्रह इंगित कर रहे हैं ऐसे ऐसे आप काम करिएगा। तुला राशि की हम बात करेंगे, रिश्तों में सुधार लाने के लिए बेहतर दिन आपका रहेगा, रिश्तों में अच्छी सुधार आपकी हो सकती है। यात्रा प्रसंग यदि है तो आप जरूर कर लें, यात्रा करने से आप पाएंगे कि आपके कुछ कार्य बनेंगे। घर वालों के साथ परिवार वालों के साथ पूरा पूरा समय आज आपको देना पड़ेगा, इसलिए निश्चित रूप से ये ध्यान रखेंगे कि तुला राशि वाले घर परिवार को अपना भरपूर समय देने की कोशिश करिएगा। क्या नहीं करना है, आपको यात्रा के दौरान यातायात इत्यादि या किसी भी प्रकार से आप यात्रा कर रहे हैं उनके जो नियम होते हैं उनकी अनदेखी थोड़ी आपको भारी पड़ सकती है। यानी बहुत ही सचेत रह के आपको कहीं भी आना, और यातायात का मतलब ये हुआ यात्रा चाहे लघु हो एक ही शहर में हो या दीर्घ हो बाहर भी हो। वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि वालों आज निर्णय लेने का दिन है, कई बातों पे आपके निर्णय रुके हुए हैं उनको आप ले डालिए। दूसरी बात, कलात्मकता जो क्षमता है आपकी, वो कलात्मक क्षमता उससे भरा हुआ दिन है, बहुत ही निपुण और बहुत ही कलात्मकता वृश्चिक राशि वाले सज्जन निश्चित रूप से उसका लाभ लें। क्या करेंगे, अपने विचारों को, जो भी आप निर्णय लेने वाले हैं विचारों को वास्तविकता में बदलने के शुभ समय अब शुरू हो चुका है, इसको जरूर आप ध्यान रखें। क्या नहीं करना है, कोई भी व्यक्ति जो आपका अजनबी हो, जो आपको नहीं जानता है, पहली बार मिला इत्यादि, तो उससे आप अपना प्लान, बिजनेस का प्लान या साथ साथ के आप अपना किसी भी प्रकार का कोई भी जो आपका बहुत पर्सनल हो व्यक्तिगत प्लान है उसको शेयर ना करें। धनु राशि की हम बात कर लेते हैं, धनु राशि वालों
कार्यस्थल में आपका बदलाव संभव है। और इसके साथ साथ लेन देन के मामले, खास तौर से आर्थिक लेन देन के मामलों में आपको जरूर बचना चाहिए, क्योंकि आपके कहीं भी किया हुआ कोई भी इससे दुष्प्रभाव पड़ सकता है। क्या करना है आज के दिन, यदि आप रोजगार के उत्सुक जुतने भी धनु राशि वाले जातक जातिका हैं, उनको क्या करना है, नई नौकरी के लिए अगर आवेदन करना चाह रहे हैं, नए कार्य के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, या बिजनेसमैन हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आज अच्छा दिन रहेगा। करें क्या नहीं करना है, बड़ी योजना पर जो भी कार्य हैं आपके, छोटी मोटी नहीं, समसामायिक दैनिक वाली नहीं, जो भी बड़ी योजनाएं हैं उनके लिए अभी काम आज आपको नहीं करना चाहिए। धनुराशि, धनुराशि के बाद मकर राशि आती है। मकर राशि वैसे तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छी राशि है, बिजनेस के लिहाज से आज आपका बेहतर दिन रहने वाला है, साथ के साथ आर्थिक लाभ की भी संभावनाएं आपकी प्रबल दिख रही हैं। मकर राशि वालों का ये प्रभाव शनिदेव की राशि, इसका प्रभाव जरूर ध्यान रखें। आयात निर्यात इत्यादि क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं या आपका किसी विदेशों से संपर्क है, तो जरूर उनको, उन व्यापारियों को लाभ होगा, वो लोग ज़्यादा सतर्क रहें और कोई भी नया मौका से जाने ना दें। क्या नहीं करना है मकर राशि वालों को, मकर राशि वालों जल्दबाजी में निर्णय आप ना लें, नुकसान होने के आसार आपके हो सकते हैं, यानी आपके जो निर्णय बहुत त्वरित गति से वैसे होते हैं, आज कुछ निर्णयों को विराम दें। कुंभ राशि की हम बात करते हैं, खर्चों में आपकी वृद्धि का योग बन रहा है, यानी बेतहाशा बढ़ सकता है खर्चा, उसको संभालिए। दूसरी बात, लघु यात्रा का योग आपको दिख रहा है आपका, तो लोगों से मिलिए, कॉन्टैक्ट बनाइए, उससे आपको फायदा होगा। क्या करना है, श्री सूक्त का सस्वर पाठ करना है, शुक्रवार का उत्तम दिन और श्री सूक्त का पाठ को निश्चित रूप से लाभ भी देने की तरफ बढ़ सकता है, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। क्या नहीं करना है, पूर्व की यात्रा आज कुंभ राशि वालों को करने से निषेध रखता है, तो जब पूर्व की यात्रा करेंगे तो पाएंगे कि या तो काम नहीं हुआ या किसी प्रकार से कोई ऐसी अड़चन आ गई या कोई हानि की भी संभावना हो सकती है, निषेध रखना, यदि बहुत जरूरी हो तो प्रस्थान निकाल के जाए, उसके तरीके होते हैं। मीन राशि की हम बात करते हैं, राजनीतिक पक्ष आपका उत्तम है, साथ के साथ आप आविष्कारक यानी किसी प्रकार से नई खोज की तरफ यदि आप लगते हैं तो आज आपको उसमें सफलता मिल सकती है। ग्रहों का मार्गदर्शन यही बताता है किस प्रकार से कौन कौन सी राशियां क्या क्या करें, क्या करना है आपको आज के दिन। मीन राशि वालों, स्वर्ण और आभूषण के कार्य यदि आप कर रहे हैं और मीन राशि है आपकी, तो आपको उसके से संबंधित कार्यों को जरूर तेजी से करना चाहिए और उसमें आज आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा तो क्या नहीं करना है, धारदार वस्तुओं से आप जरूर बचें, ब्लेड इत्यादि, कैंची छुरी इत्यादि, इससे बच सकते हैं। तो दर्शकों, यथा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां गागर में सागर, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और बहुत जल्दी आपने जाना, अपने लिए तो जाना ही जाना, अपने अपनों को भी बताइए, लोगों को मार्गदर्शन दीजिए और साथ के साथ अपना भी सुखी होइए, दूसरों को भी सुखी करिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आज के विषय पर आते हैं और वामन जयंती की पूजा और कथा का महत्व समझते हैं। श्री विष्णु जी के पांचवें अवतार, त्रेता युग के पहले अवतार वामन, भगवान वामन, इसमें इनका श्रीमद् भागवत पुराण में वामन अवतार का जिक्र है, कई पुराणों में है, कई स्कंदों में है। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने देवताओं को संकट से उबारा, साथ के साथ राजा बलि को, उसका पूरा साम्राज्य तीन पग में राजा बलि से स्वर्ग पृथ्वी और पाताल लोक, आकाश पाताल सब कुछ ले लिया। क्यों, आज के दिन पूजन कथा विशेष इसका लाभ होता है। वामन जयंती भगवान विष्णु की पूजा है और दिन शुक्रवार का है, दिन की शुरुआत दान इत्यादि से करने से बहुत अच्छा रहेगा, साथ के साथ यदि आज आप चावल और दही का दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वामन, भगवान वामन का अगर चित्र हो या अगर मूर्ति हो, पंचोपचार पूजा करें, खास तौर से इसमें ये जरूर ध्यान रखें कि ये भगवान विष्णु की आराधना है और बहुत ही अच्छा दिन है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, इस दिन
माता भुवनेश्वरी और साथ के साथ वामन। वामन अवतार ये लिया था ये कश्यप ऋषि और आदिति के पुत्र भगवान वामन विष्णु जी ने। अगर इसके बाद इन्होंने जब बहुत तपस्या किया कश्यप ऋषि और आदिति, तो उन्होंने वरदान दिया कि हमें आपके पुत्र के रूप में जरूर अवतरित होऊंगा। और उस समय देवताओं में बहुत क्लेश था, इंद्र का साम्राज्य जा चुका था, राजा बलि बहुत ही शक्तिशाली लेकिन साथ के साथ वो धार्मिक राजा, जब धार्मिक राजा थे तो निश्चित रूप से उनको उनके गुरु शुक्राचार्य ने समझाया कि इनको आप दान देने से बचो, लेकिन उन्होंने शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी, क्योंकि दानी स्वभाव के थे। उन्होंने कहा आप जो मांगो, उन्होंने कहा तीन पग जमीन मांगते हैं, तीन पग। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा अवतार और दसों अवतारों में सबसे बड़ा यानी देखने में बृहद अवतार अगर है तो वामन ही है अवतार वामन। फिर उन्होंने तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रखा। इस प्रकार से राजा बलि भी कृतार्थ हुए, साथ के साथ कृतकृत हुए, साथ के साथ राजा बलि और इसके साथ साथ देवताओं ने भी निश्चित रूप से शांति पाई। और देवताओं ने जब शांति पाई तो वामन यानी विष्णु जी का, इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है, उसमें सारे ही नाम अनाम आ जाते हैं। और इसके साथ साथ पंचोपचार पूजा जैसी बात बताई है, उसमें पंचोपचार पूजा में पांच प्रकार से पूजाएं होती हैं। ये विधि थोड़ी सी लंबी है लेकिन सब लोग ज़्यादातर जानते हैं दर्शक लोग। साथ के साथ इसमें वैसे तो जो प्रावधान है वो स्वर्ण की मूर्ति का है, लेकिन स्वर्ण की मूर्ति ना होने पर अगर चित्र भी है वामन भगवान का तो वो भी लगा के आप पूजा इत्यादि कर सकते हैं। तो यानी इसमें क्या होता है, यदि आज कथा श्रवण करते हैं वामन भगवान की कथा श्रवण करते हैं या इस प्रकार से आप दान पुण्य इत्यादि करते हैं तो निश्चित रूप से तीनों लोकों में किया गया पाप आपका क्षमा हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, इसके साथ साथ ये भी देखी गई है और इसका शास्त्रों में वर्णन भी है कि किस प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना करने से जाने अनजाने में हुए पाप और हर प्रकार की समृद्धि देने वाला और हर प्रकार के पापों का शमन करने वाला, इससे महत्वाकांक्षा मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं आज की कथा की श्रवण करके। और इसके साथ साथ भगवान विष्णु का यानी वामन भगवान का पांचवें अवतार का इसका करने से निश्चित रूप से पारायण करने से आपको लाभ होता है। और शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इसलिए सारे ही लोक में जो भी इस प्रकार से करता है या उपक्रम करता है या इस तरह के प्रयास करता है या वामन जयंती पर लोगों की पूजा इत्यादि लोग जो करते हैं, आरती इत्यादि जो करते हैं, वामन आरती भी होती है इसका जो करते हैं, विष्णु जी की ही पूजा होती है। और चूंकि आज शुक्रवार का दिन है निश्चित रूप से आज इसका विशेष प्रभाव ये है कि साथ में लक्ष्मी जी की कृपा तो होती ही होती है, जहाँ विष्णु जी की कृपा है वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा भी होती है। तो जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवताओं के कष्ट हरे तो हम इंसानों के कष्ट तो हर ही लेंगे, तो इसलिए वामन जयंती का ये प्रभाव अपने जीवन में भी उतारिए और छोटे छोटे कार्य करते हुए आप देखेंगे किस प्रकार से आपकी समृद्धि शांति और मनोकामनाएं पूरी होने की तरफ भी निश्चित रूप से बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान रहे, दान करना एक सामाजिक कर्तव्य है और राजा बलि ने इसी बात को निभाया और भगवान विष्णु जो कि वामन अवतार में थे तीन पग में उन्होंने सब कुछ मांग लिया लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक भेज दिया वहां का राजा बना। अब पहली कॉलर जुड़ गई हमारे साथ रीना अग्रवाल, आप क्या जानना चाहती हैं रीना जी? नमस्कार जी। नमस्कार, प्रसन्न रहिए, आशीर्वाद जी। मेरा नाम रीना यादव है। कोई बात नहीं रीना यादव जी, बताइए क्या जानना है आपको? पंडित जी, मेरे पापा ने कंप्रेसर मशीन ली है, वो हमारी आंदरी अच्छी रहे, इसके लिए हम क्या करें? प्रश्न स्पष्ट नहीं है बेटा। कंप्रेशर मशीन ली किस दिन लिया है आपने? कंप्रेशर मशीन जी मंगलवार है। मंगलवार को इन्होंने कंप्रेशर मशीन ली है, जानना क्या चाहती? और ये कह रही कि व्यवसाय अच्छा होगा या नहीं होगा ये पूछ रही है जी। ठीक है, अभी इसमें एक चीज जरूर है कि अभी आने वाले साढ़े तीन से चार महीने के मध्य थोड़ा सा मध्यम रहने वाला है, लेकिन आपको निश्चित रूप से इससे लाभ होगा ही होगा, आपके पापा को इसका लाभ होगा ही होगा। और दूसरी बात है, जिस व्यक्ति की बिटिया इतनी अच्छी हो, इतनी सुशील हो, जो अपने पिता के व्यवसाय के लिए प्रश्न पूछ रही हो, तो निश्चित रूप से उसको कार्य उसका बनना ही बनना है। बस बेटा ये जरूर एक चीज़ ध्यान रखना
कि अपने पिताजी से कहना, जब भी कभी पूर्णिमा हो या अमावस्या हो तो यथाशक्ति अन्न से संबंधित कोई दान इत्यादि जरूर कर लें। बहुत बहुत आपको बधाई हो, शुभ। और अगली कॉलर वीना अग्रवाल जुड़ी हुई है जो कि पीलीभीत से है। वीना जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरे बेटे की 7 अगस्त 1995 डेट बर्थ है, अमन अग्रवाल नाम है। उन्होंने पढ़ाई भी हाई स्कूल करके छोड़ दी थी और 5 साल से शॉप पर बैठ रहा है, उसमें भी मन नहीं लगता है उसका, इधर उधर भटकता रहता है, दुकान पर टिक के नहीं बैठता है जी। प्रश्न के हिसाब से और शाब्दिक कुंडली जो आपने पूछी है उसके हिसाब से एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा संगत और पंगत ये दो चीज ठीक नहीं दिख रही है। संगत लोगों का साथ और पंगत जिस प्रकार का खान पान इत्यादि है। लड़के में कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, मन नहीं लग रहा है ये बहुत ही बड़ी बात, कोई ऐसी दुष्कर नहीं है। लेकिन अभी जब गुरुदेव का गोचर आने वाला है बहुत जल्दी ही 11 अक्टूबर के बाद, उसके बाद जब स्थायी भाव में इसके गुरुदेव आएंगे, बृहस्पति देव स्थायी भाव में, तभी स्थायित्व आने की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ेगा। यानी अक्टूबर से 8 महीने के भीतर इसके जीवन में काफ़ी स्थायित्व आ सकता है। केले के वृक्ष की पूजा जरूर करिए और आपके घर के पास जो विष्णु जी का मंदिर है केले के वृक्ष भी लगा हुआ है वहाँ पे जरूर जाया करिए और दीपक इत्यादि जला के बृहस्पतिवार को पूजन इत्यादि भी करिए। आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपका कल्याण हुआ है। और अगली कॉलर सीमा है गाजियाबाद से। सीमा जी, आपका क्या प्रश्न है? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पति का 1.5 साल से जॉब छूटा हुआ है, लेकिन कब तक जॉब लगेगा प्लीज बताइए। 1.5 साल का मतलब आपने जो बताया है अनुमानतः वो 14 महीने है। हाँ ठीक है, 1.5 साल लगभग 12-6-18 होते हैं, 14 महीने से इनकी ज़्यादा दिक्कत है। 4 महीने का भी समय कम से कम और लग जाएगा इनको। जो आपने प्रश्न किया है उसका शाब्दिक कुंडली के हिसाब से ग्रहों के जोड़ घटाने के बाद लगभग 4-5 महीने का समय निकला है। इसके बीच में ही इनका तारतम्य अच्छा बन जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई कार्य व्यवसाय में इनको जो बाधा थी वो निकल जाएगी थोड़ा। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, जो मनोवांछित कार्य इनके सफल होने के हैं वो होते होते जून 2019 आ जाएगा। तब तक जो भी मिल रहा है, जिस भी प्रकार से चल रहे हैं, करते रहें, इनको सफलता भी मिल जाएगी। रक्त चंदन और साथ के साथ केसर और इसके साथ साथ गुरुचन ये मिला लें और टीका इत्यादि करा करें डेली, और विष्णु जी की पूजा आराधना भी करें। आप देखेंगे किस प्रकार से इनको दैनिक रोजगार भी मिलेगा, साथ के साथ दैनिक जीवन में आने वाली समस्याएं आर्थिक विशेष रूप से वो भी धीरे धीरे कटेंगी। फिर भी कोई समस्या हो आप पुनः संपर्क करिए। और अब आपको आचार्य जी की मेल आईडी और नंबर दिखा देते हैं। आप अगर आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं नक्षत्र प्रोग्राम की तरह, तो आप इस मेल आईडी के जरिए बात कर सकते हैं, आप समय ले सकते हैं, या फिर इस नंबर के जरिए आप उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, समय ले सकते हैं बातचीत के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।